यूसीएन अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप देखिए यूपीआर विनल जेई जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका पेपर यहाँ पर छूट चुका है। सभी स्टूडेंट्स पेपर दे करके निकल रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है, हमारे साथ यहाँ पर मिले हैं। तो हम जानते हैं कि कैसा पेपर हुआ, क्या रही, मतलब कि पेपर का लेवल क्या रहा और कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न है। तो यहाँ पर है हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स। क्या नाम होगा सर आपका? शिवानंद नाम है। चलिए तो आपसे हम बात करते हैं कि टेक्निकल का वेटेज क्या रहा, कितना टेक्निकल में क्वेश्चन आया। बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करते हैं, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से कोई क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला आपको? बेसिक और मैग्नेट से कोई क्वेश्चन नहीं रहा है। बेसिक से कोई क्वेश्चन नहीं था। बेसिक से अगर बात करें कि डीसी सर्किट, एसी फंडामेंटल, कैपेसिटर और मैग्नेटिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं था। बैटरी से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, बैटरी से एक दो क्वेश्चन था। आपका क्या नाम है सर? अच्छा, पीयूष आपका नाम है। बैटरी से तो चलिए बेसिक इलेक्ट्रिकल फाइनल। दूसरी बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थी, जो मैंने भी बताया था, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे कि पावर सिस्टम जनरेशन, तो पावर सिस्टम का क्या वेटेज रहा इसमें? पावर सिस्टम में तेज बोलिए वेटेज जो था ज़्यादा था, 30% था लगभग। हाँ, जैसे तो पावर सिस्टम में पांच सब्जेक्ट यानी कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच करंट प्रोटेक्शन, उसके बाद आपका यूटिलाइजेशन। तो जनरेशन से कितना क्वेश्चन देखने को मिला? जनरेशन से 10 से 12 क्वेश्चन मिला है देखने को। अच्छा, जनरेशन से 10 से 12 क्वेश्चन मिला है। ट्रांसमिशन से? ट्रांसमिशन से बस 2-3 क्वेश्चन मिला है। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन ट्रांसमिशन से। और डिस्ट्रीब्यूशन से? डिस्ट्रीब्यूशन से 1-2 क्वेश्चन मिला है। जनरेशन से किस जनरेटिंग प्लांट पे था? थर्मल पे था, हाइड्रो पे था, कैसा था? हाइड्रो पे भी क्वेश्चन था। अच्छा, थर्मल पे था, यानी कि कोर जो इसका पेपर है जो आपका यूपीआर विनल का, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल से इसमें प्रश्न था। और हाइड्रो पावर प्लांट से? हाइड्रो पावर प्लांट से भी। अच्छा, हाइड्रो पावर प्लांट से भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए अगर पावर प्लांट से भी दो क्वेश्चन मिला है, 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, डीजल इंजन, कंबाइंड वर्किंग पावर प्लांट, इन सबसे? अच्छा, स्टीम का मतलब वही हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया। चलिए थर्मल पावर प्लांट के लिए क्लियर हो गया। अब जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ट्रांसमिशन से प्रश्न देखने को मिला? ट्रांसमिशन से 1-2 क्वेश्चन मिला है। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन। और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से? डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब चीजें? डाटाबेस। अच्छा, डाटाबेस क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि जो आपको याद हो या नहीं हो? चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं। स्विच करंट प्रोटेक्शन, हालांकि ये माना जाता है कि यूपीआर विनल जेई में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको स्विच गियर पैनल्स देखना पड़ता है, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से कितना क्वेश्चन देखने को मिला? स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से भी 4-5 क्वेश्चन मिला है देखने को। अच्छा, स्विच गियर प्रोटेक्शन से देखने को मिला है। रिले सर्किट ब्रेकर किससे? रिले से भी मिला है, सर्किट ब्रेकर से था। मतलब डिफाइन करना था, ऑप्शन थे रिले वगैरह के, तो उसमें डिफाइन करना था कौन नहीं है इसमें से। अच्छा, कौन नहीं है। अच्छा, नहीं करके ऑप्शन आया था। चलिए स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। अगर यूटिलाइजेशन की बात करें तो पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन में सबसे ज्यादा वेटेज था इसमें देखा जाए तो। अच्छा, बार-बार के क्वेश्चन आया था। हाँ, थोड़ा सा तेज बोलेंगे। हाँ, ल्यूमिनस का एक था क्वेश्चन, ल्यूमिनस का। अच्छा, ल्यूमिनस से क्वेश्चन आए थे। और चलिए अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट सब्जेक्ट की, तो मेजरमेंट से क्वेश्चन, वाट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, इन सारी चीजों से, ट्रांसड्यूसर, अच्छा डायनोमीटर, ब्रिजेस आए थे। अच्छा, सीआरओ, कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप, सीआरओ से 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, सीआरओ से 2-3 क्वेश्चन, वाह क्या बात है। एलबीडी, ट्रांसड्यूसर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी मशीन की बात करेंगे, क्या डीसी मशीन से प्रश्न देखने को मिला? डीसी मशीन से क्वेश्चन हाँ मिला, जैसे सीआरजी है उसमें पूछा था, डाटाबेस क्वेश्चन था, सीआरजी वो है ना? हाँ, सीआरजी वो, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। हाँ, कितना परसेंटेज उसमें होता है? अच्छा ठीक है, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पूछा था, यानी कि ट्रिपल ईएम सब्जेक्ट का पूछा था, एलिमेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल से क्वेश्चंस उसमें बना करके पूछा था। अच्छा, अगर हम बात करें एसी मशीन की, तो एसी मशीन से प्रश्न देखने को मिला क्या? एसी मशीन से सिंक्रोनस इंडक्शन मशीन, ये सब देखने से मिला था एक क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर, अच्छा सिंक्रोनस, अच्छा सिंक्रोनस। और सिंगल फेज मशीन से प्रश्न? सिंगल फेज से, जो आपका फ्रिक्शनल हॉर्स पावर की जो मोटरें होती हैं, एफएचपी मोटर्स वगैरह, ये सब सिंगल फेज मशीन? अच्छा नहीं, चलिए तो ये तो हो गया पूरा मशीन। अल्टरनेटर से प्रश्न? अल्टरनेटर से एक था कूलिंग टाइप से था। अच्छा, कूलिंग टाइप का। अच्छा ठीक है ठीक है, अल्टरनेटर हो गया। अब हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से जैसे कि यूजेटी, बीजेटी, ट्रांसड्यूसर, सॉरी जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, इससे आपका प्रश्न था ट्रांजिस्टर। अच्छा, चार ऑप्शन पैसिव करके कुछ ऑप्शन। चलिए चलिए, वेरी गुड। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए,
तो जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके कन्वर्जन होते हैं, नंबर सिस्टम होता है, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल होता है, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्सा डेसिमल, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले क्या? बाइनरी से डेसिमल बदलने के लिए था, हाँ, और एक बुलियन एबीसीडी वाला होता है। अच्छा अच्छा, कैलकुलेट बुलियन इक्वेशन, बुलियन इक्वेशन, वेरी गुड वेरी गुड। कर्नाट मैप से क्वेश्चन, के मैप, अच्छा के मैप से नहीं था, ऑक्टल से, और लॉजिक गेट, लॉजिक गेट से, लॉजिक गेट से एक ही क्वेश्चन, अच्छा लॉजिक गेट से क्वेश्चन था, और माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, 8051, अच्छा माइक्रो कंट्रोलर, और इसके क्या बोलते हैं आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट से क्वेश्चन, आईसी से क्वेश्चन नहीं थे, यानी 555 वगैरह ये सारे इशू नहीं थे। चलिए ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए, कैसे अच्छा SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अच्छा अगर हम बात करें आपका, ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होती है कंट्रोल सिस्टम, यूपी आरबीएनएल का कंट्रोल सिस्टम से प्रश्न था क्या, फीडबैक सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था, कंट्रोल सिस्टम से प्रश्न नहीं देखने को मिला। चलिए वेरी गुड, और नॉन टेक्निकल की बात की जाए तो, नॉन टेक्निकल में जीके जीएस का पोर्शन, जीके जीएस वाला पोर्शन अच्छा था। अच्छा चलिए टेक्निकल की अगर बात करें तो ये क्या बोलते हैं एससी, ये पीएलसी स्काडा वगैरह ये सब आया था क्या? पीएलसी ऑटोकैड मैटलैब, ऑटोकैड से, मैटलैब से मैटलैब से दो क्वेश्चन देखने को मिला। अच्छा मैटलैब से दो प्रश्न, ऑटोकैड से क्वेश्चन नहीं था, ऑटोकैड से प्रश्न नहीं था। चलिए टेक्निकल यहाँ पर मतलब पूरा साफ। और जैसे कि अभी यूपी पिशल में आया था आपका मैथमेटिक्स आ गया था, इंटीग्रेशन कैलकुलस आ गया था, तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलस के क्वेश्चन कोई भी नहीं, अच्छा मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं, यानी डोमेन सब्जेक्ट में जो हमारा डोमेन है उसमें सिर्फ आपके इलेक्ट्रिकल थे, इलेक्ट्रिकल के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं था, है यही है ना? चले वेरी गुड, बहुत अच्छा। और दूसरी बात अगर नॉन टेक्निकल की बात की जाए तो रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का लेवल ज्यादा नॉर्मल, अच्छा रीजनिंग का मतलब सबका 18 से 20। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी भी अच्छा था, लेवल हिंदी सही था, हिंदी पर्यायवाची पूछे थे, हिंदी पूछे थे, हां पहचानने के लिए अच्छा अशुद्ध पहचानने के लिए नॉर्मल। चलिए हिंदी हो गया, और जीके जीएस की अगर बात की जाए तो जीके जीएस इसका लूसेंट अगर तैयार है, लूसेंट जो बुक है उससे पढ़ लेने के बाद 10 से 12 क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, लूसेंट से। लूसेंट, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा, यानी कि लूसेंट किताब से पढ़ने के बाद 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ पर बन जाएगा। और अगर जीके जीएस की बात की जाए, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री, आपकी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स और आपका ज्योग्राफी, अच्छा एक क्वेश्चन करंट अफेयर से, करंट अफेयर से नहीं मिला देखने को, करंट अफेयर से नहीं मिला, अच्छा करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं मिला। चलिए यानी कि मेडिवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले, पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिले थे, यानी आपके हिसाब से ओवरऑल पेपर का रेंज क्या रहा, लेवल, लेवल क्या रहा, मतलब कि, मतलब कि एवरेज, मॉडरेट, मीडियम या हार्ड? ज्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट भी, मतलब इजी पेपर था। अच्छा इजी टू मॉडरेट अगर कहें पेपर का लेवल तो चलेगा। चलिए इजी टू मॉडरेट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका रहा, यही तो, यानी आपकी अटेम्पिंग कितनी रही शिवानंद? 174 रहा है। 174 आपकी अटेम्पिंग, बहुत सही बहुत सही, यानी कि आपका 150 प्लस अटेम्पिंग रही है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 150 प्लस अटेम्पिंग है। और JUCN अकेडमी का योगदान कितना रहा, मतलब कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट हम पढ़ाते थे उसमें से कितना योगदान रहा? उसमें 20-30% का योगदान रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो जितना अभी तक पढ़ाया जा चुका है टेक्निकल में बढ़िया क्वेश्चन आया उससे, हाँ पता है क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और आपके भविष्य की कामना, उज्ज्वल भविष्य की कामना पूरे JUCN परिवार करेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके।